आज हम बना रहे हैं बुरहानपुर की शादियों वाला मुगलों के ज़माने का दाल चावल की रेसिपी। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए बनती है दाल चावल। वहाँ पर ऐसे ही बोलते दाल चावल, लेकिन शादियों वाला है हम लोग में बोलते हैं यहाँ पर पुलाव, मटर पुलाव बोलेंगे यहाँ पर हम लोग। तो वहाँ की शादियों वाला ऐसा है दाल चावल। तो ठीक है, चलिए मुगलों के ज़माने से आ रहा है तो कैसे बनते हैं बताती हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, तो देखिए गाइज मैं क्या बना रही हूँ आप लोग, ठीक है ये सब सामानों से कुछ पहचान हो रही है आपको, नहीं ना तो मैं बताती हूँ। ये दाल मैंने आधा घंटा भिगाई हूँ, तुअर की दाल आधे घंटे में इतनी भीगी है, तो मैं बोली जाने दो, चलो दो घंटा, अगर एक घंटा भिगाती तभी भी अच्छी रहती, लेकिन मैंने आधा घंटा पहले ही भिगाई हूँ। और अभी इसमें जो सामान पड़ेगा मैं आपको बताती हूँ। इधर आ गए ये है, ये तो खैर मैं चावल में डालूंगी, ये चावलों का सालन है सामान्य। तो ये है तेजपत्ता और शाजीरा, चक्रीफुल, दालचीनी, लौंग, इलायची, ये हो गया। और यहाँ आ गए, ये है खोपरा, जो घिसा हुआ खोपरा मिलता है इसी तरह, नहीं अगर आप लोग को मिल रहा है तो आप लोग अक्खा जो सूखा खोपरा था उसी को आप लोग घस के ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सूखा खोपरा। और इधर आए तो हम टमाटर, टमाटर को ऐसे ही काटनी है। ठीक है, और यहाँ आए तो ये गरम मसाले, ये है सौंफ और अक्खा धनिया और शाहजीरा। शाहजीरा तो आप लोग ज़रूर डालिए, इसमें इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी लगती है। और है बड़ी इलायची, और यहाँ आ गए ये काली मिर्च, हरी इलायची और लौंग और ज़ीरा सफ़ेद और चक्रीफूल, और ये है दालचीनी। ठीक है, ये इतना मसाला है, इसे हमें पीसना है भून के, मैं बता दी हूँ। ठीक है, और ये है प्याज, ये प्याज मुझे दाल में भी पड़ेगी और चावलों में पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ आ गए ये इमली का पल निकालूंगी, इमली का पानी डालना है। ठीक है, और ये है हरा धनिया, हरी मिर्च, और यहाँ आ गए ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये आ गए काजू और बादाम। हाँ, और मटर भी है हरे, मैं बताती हूँ, हरे मटर अगर आप लोग को डालने हैं तो डालिए चावलों में, नहीं तो नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैं ये डिश बना रही हूँ ना, इसमें खसखस भी पड़ती है, लेकिन मैं खसखस नहीं डालूँगी। ठीक है, तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, मेन जो है इसके शेफ, वो शेफ से मैंने सीखी हूँ ये डिश, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ, मैं बता दी हूँ इसके लिए, मैं वो शेफ से सीखी हूँ तो इसके लिए, और जो उन्होंने बताया वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। बाकी सब लोग डालते हैं इसमें सारे मसाले, वो खसखस डालते, खसखस नहीं डालते लोग, शेफ लोग, और हल्दी और धनिया मिर्ची ये सब पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये मसाले भी डालूंगी, मैं आपको बता दी, नमक भी पड़ना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं दाल में डालूंगी प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये प्याज हो गए, और इसमें पड़ेगी हल्दी, मेरा किचन इतना छोटा है ना कि क्या बोलूँ, ये हल्दी ये भी डाल दी, और इसमें नमक डालूंगी, पानी डालूंगी और तेल थोड़ा सा, तेल थोड़ा सा। ठीक है, तेल भी पड़ना चाहिए दाल में। अगर आप लोग ऐसी सादी दाल भी बनाते हो ना, ये फीकी दाल, तो इसमें प्याज, हल्दी और तेल, नमक डाल के बनाया करिए, बहुत स्वादिष्ट बनती है, एकदम सौंधी दाल बनती है। तो अभी मैं नमक डालूंगी इसमें, नमक आप लोग अपने हिसाब से डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह करम है, हम लोग भी ठीक है आप लोगों की दुआ से। तो आज मैंने बनाने जा रही हूँ, आप लोगों को मैंने बता दी कि क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ बुरहानपुर की मुगलों की शाही जो दाल चावल है शादियों में बनने वाला, वो बना रही हूँ। तो आप लोग मैं बताई मसाले क्या क्या है, और ये मैंने ख़ास करके ना वो शेफ़ से सीखी हूँ, जो मतलब वहाँ के बावर्ची है ना, मुग़लों के ज़माने के, उन लोग के पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों की है, तो वो उन्होंने बताई है ऐसी डिश। तो मैं बोली मैं भी यूट्यूब पे डाल दूँगी, जो मैंने सबका देखी हूँ, तो मैंने खसखस भी डालते, वो उन्होंने खसखस नहीं डाला,
खसखस पीस के डालते हैं, ये पीस के डालते खोपरा, वो उन्होंने ये पीसा नहीं है तो मैं भी नहीं पीसूंगी, जिस तरह से उन्होंने बताया वैसे ही मैं बनाऊंगी। तो ये सब मसाले तो उन्होंने बराबर बताए, जो जो लोगों ने भी डाले जो है आजकल निकले, तो ये ख़ास करके उन्होंने मुझे, ऐसा मैंने देखा है तो उनकी डिश, तो वो दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी के वो इंसान है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती तो आप लोगों को मालूम है, तो वो इंसान वही काम में लगे रहता है, तो वही है। तो मुग़लों के ज़माने में जो बनते थे शादियों में दाल और चावल काजू बादाम वाले, तो वो ऐसे ही मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से बन रही है डिश। इसमें पहले हम डालेंगे मसाले, डालने हैं गरम मसाले। तो ये गरम मसाले मैं सिलो करके रखी हूँ चूल्हा, तो ये गरम मसाला मैंने आपको बता चुकी हूँ, ये है तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, फूल और दालचीनी और शाजीरा। ठीक है, ये डाल देते हैं इसमें लहर पनीर। मैं कम क्वान्टिटी की बना रही थी, आप लोगों को मैंने दाल बताई थी, उसमें फिर मैंने दाल थोड़ी और बढ़ा दी, और चावल मैं 1 किलो ले रही हूँ क्योंकि मेरी बहन आ रही है, तो मैं बोली चलो खाना बढ़ा देती हूँ और वो खा लेगी, वो आएगी शाम को, लेकिन मैं बोली बना देती हूँ एक साथ तो खा लेगी। उसको भी वही फ़ोन पे बोली, मैं जब मैं आप बता रही थी सब सामान तो सब कॉल आ गया, तो उसको वही मैं बोली बोली आएगी तो बोली चला के खाना खा लेना, मैं बना रही वैसे डिश। तो इसके लिए अब मैं प्याज लाल हो रही है, अब इसमें पड़ेगा अदरक लहसुन थोड़ी सी, प्याज को ना लाल होना ही चाहिए। चावल पड़ गया है तो मैं थोड़ा जीरा भी बढ़ा दूँ, शाह जीरा थोड़ा सा बढ़ा दूँ, और खुशबू मस्त आने लग गई है इसकी। और इसमें एक चीज़ और पड़ेगी आपको बताई नहीं, यह है दूध, दूध भी पड़ेगा। तो शाही मुग़लों के ज़माने की डिश है तो वैसे ही बनेगी ना, बादशाहों के ज़माने की। अब इसमें पड़ेगा अदरक लहसुन, तो मैं अदरक लहसुन इसमें आधा डालूंगी, इसमें लहर मानी गई। अच्छे से भूनेंगे, और तो इसके अंदर ये काजू बादाम भी डालेंगे, मैंने आधे आधे कर दी हूँ, बादाम भी आधा काजू भी आधे आधे कर दी हूँ। ऐसे भी थोड़ा हल्का सा फ्राई करेंगे, इसे पहले ही डालना था मुझे अदरक लहसुन से पहले, लेकिन मेरी बहन का कॉल आ रहा है ना इसके लिए। तो वैसे ये दो हरी मिर्ची मैं इसमें डाल रही हूँ, आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। वो मैंने निकाली थी दाल के लिए, लेकिन मैं दाल में अभी और ले लूँगी, मेरे दिमाग में आएगा मैंने दो हरी मिर्ची तो डाल दूँ, ज़रा अच्छा लगेगा। और ये मटर है, ठीक है, इसमें मटर आप लोग अपने हिसाब से कितना भी ले सकते हैं। तो ये अभी ऐसी डिश हो गई जैसे कि मटर पुलाव है ना, होता है ना वैसा हो, लेकिन ये है बुरहानपुर की शादी वाला खाना, इसी तरह बनता है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, ऐसे पकने छोड़ेंगे, और नमक डालती हूँ इसमें मेरे, मैंने पानी थोड़ा डाली हूँ, कम डाली, अब इसमें नमक डालेंगे इसमें। मैंने नमक की भरनी चेंज कर दी क्योंकि मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ अभी, तो ये पिंक सॉल्ट है इसमें। तो 1 किलो चावल है तो थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा ना नमक, तो इसे पकने देंगे, पानी को जोश आने देंगे अच्छे से, फिर चावल धो के मैं डालूँगी। चावल भिगा ही नहीं हूँ क्योंकि सैला चावल नहीं है, कच्चे चावल है। जब तक इधर ये चावल हो रहा है और यहाँ दाल हो रही है, हम मसाले रेडी कर लेंगे। ये मसाले को मैं भून लेती हूँ, ठीक है। पहले हम जीरा और धनिया सौंफ, जीरा नहीं गरम मसाला और धनिया, ये डाल के हम भूनेंगे पहले। तो देखिए ये हो गया है,
फिर जोश आ गया है, अच्छे से हो गया है। अब मैं इसमें ये चावल डालूंगी, ठीक है। बिस्मिल्लाह। चावल 1 किलो नहीं ली मैंने, 1.25 किलो चावल ली। चावल मैंने डाल दी सर, पानी कम डाली उसमें क्योंकि दूध भी पड़ेगा ना इसके लिए। तो ये देखिए ये हो गया है थोड़ा सा। अब मैं इसमें ये डालूंगी जो है ना सौंफ, जाजीरा जीरा, अब इसे भी डाल के हल्के से भूनेंगे। बिस्मिल्लाह। तो ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि जल जाएगा। तो ये भी भून गया हो गया, अब इसे ठंडा होने देते फिर पीसेंगे। तो मेरी दाल हो गई है, दिख रही है ना आपको, ये देखिए ये मस्त हो गई है। कूटने की जरूरत ही नहीं है इसको, थोड़ा सा चम्मच से मार देंगे ना, ऐसा हो गई बस, ये दाल हो गई। तो मैं इधर चावल को वहाँ शिफ्ट करूँगी और यहाँ पर मैं दाल को बघारूँगी, दाल का मसाले की रेडी करती हूँ, ठीक है। चावल को देखूँ तो देखिए चावल कच्चे है ना, कच्चे पक्के हैं। अब मैं इसमें डालूँगी दूध, और दूध डाल के दम पे रखेंगे। ये बिस्मिल्लाह। मैं इसमें ना दूध पूरा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा बचा लिया, आधा लीटर दूध है ना। अभी इतने खिले खिले चावल बनेंगे ना, चावल थोड़ा से चाहिए, जरा सा, इतना सा चाहिए, ज़्यादा नहीं बचे, आधा कप होएगा, क्योंकि वो चावल फिर हो जाएंगे ना, नरम ना हो जाए। तब इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगी दम पे। फिर मैं इसमें तेल डालूँगी, वहाँ पर मैंने वो शिफ्ट कर दी हूँ, मैं इसमें तेल डालूँगी और तेल गर्म होने देते फिर प्याज डालते हैं। तो देखिए इसमें प्याज डालती हूँ मैं, और प्याज को थोड़ा लाल होने देते। तो ये देखिए ये हो गई है प्याज, प्याज हो गई है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूंगी, इसमें डाल, और हम इसमें ये भी डालेंगे टमाटर। और इसमें डालेंगे हल्दी, और ये है मिर्ची लिखी जो थोड़ी सी पीली टाइप में है, तो यही डालेगी इसमें पीली टाइप में, और धनिया चुप के मिर्ची और थोड़ी सी डाल दी, बस इतना सामान ये डालेगा। और इसमें थोड़ा सा नमक, ताकि मसालों में नमक कर लिए, फिर इसे अच्छे से हम भूनेंगे। एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए टमाटर, स्लो पे इसको रख देते थोड़ा सा हो जाएगा सॉफ्ट। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ऐसा, तो यही पानी में डालू इमली का थोड़ा सा है जो, बस क्योंकि टमाटर सॉफ्ट होना चाहिए। तो देखिए ये हो गई, एकदम सॉफ्ट हो गया है टमाटर भी, एकदम चम्मच मार मार के सब उसको सॉफ्ट कर दी है ना। तो अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची दो, और थोड़ी कुतमीर, और थोड़ा पुदीना, फिर बाद में भी ऊपर से डालेंगे इसकी, अच्छे से भून देंगे। तो
तो ये देखिए एकदम हो गया ना, तो इसमें ये मैं इमली का पानी डाल दूंगी। इमली आप लोगों को जितना खट्टा चाहिए उतना कर दो। मैंने उतना इमली भिगाई थी तो पूरा मैंने डाल दी खट्टा। अब मैं इसमें ये दाल डालूंगी और ये थोड़ा मसाला डालूंगी अभी, थोड़ा बाद में ना। तो चम्मच से डालू, हाथ गीला है। ये जो गरम मसाले पीसी थी ना वो है, थोड़ा खुशबू आ जाएगी बाद में, फिर डालेंगे पकने के टाइम पे जब जोश आएगा ना फिर डालेंगे और मसाला। अब ये दाल डाल देंगे। ये पूरा कुकर में धो के डाल दूंगी अभी, इसमें दाल बहुत है, धो के डालती हूँ फिर बताती हूँ। तो अब हम दाल को थोड़ा जोश आने देते और यहाँ चावल देखते, चावल हुए थे। चावल हो गए हैं माशाल्लाह से, बहुत एकदम फरेरे फरेरे। तो चलिए चावल हो गए, चावल के एक एक दाने अच्छे छुटे। अभी दाल जोश आती है, इधर हम तड़का लगाते हैं। इसमें हम अब और गरम मसाला थोड़ा लेंगे क्योंकि ये जोश आएगा, बस ज़्यादा नहीं डालूंगे अब, बस हो गया, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा गरम मसाले का भपका लगेगा। दाल जब तक जोश आ रही है मैं यहाँ पर ये तेल डाल रही हूँ इसमें, प्याज में। तेल प्याज में डालो चाहे प्याज तेल में डालो, बात एक ही पड़ती है, तब ये अच्छे से फ्राई होगी यहाँ पर। थोड़ा सा घी भी डालूंगी क्योंकि घी के बिना तो मज़ा नहीं आता है इसमें। आप लोग चाहे तो घी से खाली बना सकते हैं या तेल से, तो मैं थोड़ा घी डाल दूँ। फिर मैंने तेल डाल दी, फिर अभी मैं थोड़ी याद है मेरी, घी के बिना थोड़ी ना मज़ा आता है, तो थोड़ा घी डाल दी। ठीक है, तो गाइस मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, पसंद आए तो। बुरहानपुर की शादियों वाला स्पेशल दाल चावल शाही है ना, कि वे मुगलों के ज़माने का है ना, इसके लिए तो शाही हो गए। सब्सक्राइब करिए आप लोग मेरे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, थोड़ा कुछ में पुदीना चावल में पड़ेगा, और इसमें और पड़ेगा पकेगा गार्निश के लिए। तो देखिए लाल हो गई प्याज, अब इसमें हम ये डालेंगे खोपरा, इसमें लेयर देंगे, इसे भी हम अच्छे से पकाएंगे। और ये मुगलों के ज़माने से चला आ रहा है ये डिश, तो अभी तक इसे रखे हैं जिंदा ये डिश, जब से अभी तक चल रही है, शादियों में खाते ही ये दाल चावल। मैं थोड़ी सी प्याज है ना ऊपर से निकाल देती हूँ ताकि मैं चावल में ऊपर से डालूँ बस, और ये अभी इसमें डालूंगी। देखिए पकने आ रहा है, इसके लिए मैं बोली वो जोश थोड़ा सा आ जाएगा ना तो इसको करेंगे। बाहर काम चालू है तो बहुत आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है, आप लोग एडजस्ट करते रहिए प्लीज़। तो देखिए खोपरा भी दम लाल हो गया, अब इसे बंद कर देंगे और हम इसमें दाल में ये तड़का कर देंगे। देखिए दाल कैसे जोश आ रही है ना, कौन है सटर उठा रहा है। तो देखिए अब इसे ना पकने देंगे अच्छे से, इसका जो फ्लेवर है ना खोपरे का उसके अंदर आना चाहिए ये, और इसके बाद में हम ऊपर से गार्निश के लिए डालेंगे। ठीक है,
तो देखिए अभी ये पक रहा है ना, अब इसे ढक के रख देंगे थोड़ा टाइम तो हो जाएगा, सेट हो जाएगा उसमें। इसको सेट कर देते, ठीक है, ये सेट होएगा। तो गाइस आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो? भूख लग रही है? अजीब हो रहा है, देखो बोलियो पानी पी ले तो नहीं पिया ना। तो गाइस अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए, बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज। और जो जो आवाज़ें यहाँ से पीछे से आ रही थी ना बाहर रोड की, आप लोग इन इग्नोर कर दीजिए, और मेरी आवाज़ को आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है? मजाक कर रही हो। चलिए अल्लाह हाफिज। तो देखिए एकदम चावल मेरे छुट्टे छुट्टे हैं, देखिए मैं अल्लाह हाफिज बोलती उसके बाद में फिर बता रही हूँ, एकदम चावल छुट्टे छुट्टे हैं। और दाल भी देखिए ऐसी, हाँ हाँ।